वेलकम भाई बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेट एवरीवन में। बच्चों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। बच्चों ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको पूरे वीडियो की सीरीज को टिल एंड तक देखना होगा। बच्चों वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपके लिए फिर कुछ नया लेके आया हूँ, अपनी वही पुरानी घरों की दुकान। बच्चों इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, जहाँ पर मेरा फिंगर है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों, तो ये थोड़ा सा आपको शायद नहीं दिख रहा होगा ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ लाइट। बच्चों यहाँ 95% आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा, या फिर बच्चों आप ये दूसरा डीओ भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं डीओ का शौकीन हूँ। बच्चों यहाँ पर भी आप देखिए अल्कोहल को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। अल्कोहल यहाँ पर भी बच्चों 95% यूज़ किया गया है। यहाँ पर बच्चों मेरे पास एथेनॉल की, एक प्योर एथेनॉल की बॉटल भी बच्चों मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास बच्चों ये खांसी का सीरप भी है। तो बच्चों इस तरह के इन चीज़ों को आप पढ़ के और जान सकते हैं कि अल्कोहल्स कैसे हमारी डेली नीड्स के साथ जुड़ा हुआ है। बेसिकली आपके नेल रिमूवर्स, आपकी पेंट्स, आपके डाइज, आपके मेडिसिन इंडस्ट्री, आपकी फ्यूल इंडस्ट्री, इवन देन फ्यूल इंडस्ट्री। बच्चों आपको पता होगा जब तक पेट्रोल में पहले TEL ट्राई एथिल लेड, बच्चों इसका नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा TEL, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं ट्राई एथिल लेड, इसका यूज पेट्रोल के बच्चों अपस्फोटन की दर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो TEL है बच्चों ये ह्यूमंस के लिए बहुत हार्मफुल है, तो उन्होंने इसको प्योरली बैन कर दिया और इसके रिप्लेसमेंट में अब पेट्रोल में बच्चों 5% मोस्टली, वैसे तो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू, लेकिन अभी 5% का ही यूज़ हो रहा है, 5% एथेनॉल का या एथाइल अल्कोहल का बच्चों यूज़ हो रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारी डाइज में, हमारे परफ्यूम्स में, हमारे पेंट में, हमारे खांसी के सीरप में, हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री में, हमारी फ्यूल इंडस्ट्री में, और बहुत लार्ज स्केल में और भी जगहों पर यूज़ कर रहा है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी तो हमें बात करनी है इसके केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में। तो बच्चों हमारे अल्कोहल्स क्या हैं, आज के वीडियो में बच्चों हम अल्कोहल का इंट्रोडक्शन सीखेंगे और जानेंगे अल्कोहल्स हैं क्या वास्तव में। तो बच्चों एल्कोहल्स को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो बच्चों सबसे पहला वर्ड तो आपको यही क्लियर करना होगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें केवल क्या हो बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन, इनको हम लोग ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक क्या होते हैं बच्चों, जो बेंजीन रिंग को कंसिस्ट नहीं करते, ओपन चेन स्ट्रक्चर के होते हैं। तो बच्चों उनमें तीन तरह के आपके हम कह सकते हैं हमारे कंपाउंड आएंगे, एक पहला एल्केन्स आएंगे, दूसरा बच्चों हमारी क्या आएंगी एल्कीन्स आएंगी, और थर्ड हमारा क्या आएगा बच्चों एल्काइन्स आएंगे। इनके जनरल फॉर्मूले आपने 10th में भी पढ़े होंगे, CnH2n+2 दैट मीन्स एल्केन, CnH2n मीन्स एल्कीन, और CnH2n-2 मीन्स एल्काइन्स। तो बच्चों ये जनरल फॉर्मूले हम लोगों ने पहले की भी क्लासेस में बच्चों ध्यान से पढ़ रखे हैं। अब बच्चों इन हाइड्रोकार्बन्स के, इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के, अब सबसे इजी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बच्चों हमारा कौन हो जाता है, CH4, मेथेन सभी जानते हैं बच्चों। अब इस मेथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु का रिमूवल कर दें, उसको हटा दें, और वो रिमूवल बच्चों कौन करेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें एक हट जाएगा तो बच्चों क्या बनेगा, CH3OH। तो ये बच्चों यहां था हमारा क्या, मेथेन, और ये इधर आपका क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। इसी तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये बच्चों हमारा क्या हो गया जाके एथिलीन। और बच्चों अगर इसमें से हम लोग देखें तो क्या बना सकते हैं, CH2OH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब बच्चों ये जो CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH है, ये चूंकि बच्चों एथिलीन से आया है, इस वजह से बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं, एथेन की रिमूवल से बन रहा है, इसलिए बच्चों हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो आप इसको अभी यहां पे चाहे तो एथेन से बनाना दिखा सकते हैं, CH3 ऊपर का एक हाइड्रोजन और नीचे का एक हाइड्रोजन बच्चों रिमूवल हो गया है, और दोनों की जगह पर क्या लग गया है, एक एक OH लग गया है। तो बच्चों ये एथेन से बना है और इसका नाम क्या है बच्चों, एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो इस तरह से हमारे जो डिफिनीशन निकल के आती है बच्चों वो आपके सामने आ गई है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों का, अभी मैंने बोर्ड पे लिखा भी था, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा या हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन करने पर
एक भी हाइड्रोजन का हो सकता है, एक से ज्यादा का भी हो सकता है। प्रतिस्थापन करने पर प्राप्त होने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, वो हमारे बच्चों क्या कहलाते हैं, एल्कोहल्स। अब यहां पर एक चीज बच्चों नई आपको सीखने वाली है कि जो भी हम एल्कोहल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिन भी एल्कोहल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन एल्कोहल्स में बच्चों एक चीज आपको बहुत ध्यान रखने वाली होगी कि हर एक कंपाउंड जिसके पास OH है वो एल्कोहल नहीं हो सकता है। बच्चों अगर हम H2O को देखें, वाटर, तो वाटर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड OH ये लिख सकते हैं, ये हमारा बच्चों वाटर हो गया। या आपने बच्चों एसिटिक एसिड, इसको भी आपने पढ़ा होगा, जैसे CH3COOH, तो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3COOH ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर भी देखें बच्चों तो हमारा OH ग्रुप आ गया है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये एक एसिडिक एसिड है और ये यहाँ पे COOH लगा हुआ है, और जहां पर COOH ग्रुप होता है वो बच्चों कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो दैट मींस ये हमारा एल्कोहल नहीं है, लेकिन यहां पर भी OH ग्रुप है और यहां पर भी OH ग्रुप है, तो फिर ये एल्कोहल्स क्यों नहीं है? तो यहां पर बच्चों एक चीज आपके ध्यान देने लायक ये है कि जो भी कंपाउंड्स में OH ग्रुप होगा और वो OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा होगा, पहली बात तो यहां पर तो वो कार्बन एटम से ही नहीं जुड़ा हुआ है, तो OH जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन और हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैं बच्चों फिर से दोहरा दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा आप, कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उस कार्बन एटम की रिमेनिंग वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट कार्बन या हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जैसे बच्चों मैं इसको बनाना चाहूंगा तो आप देखो यहां पे ये OH लगा है और देखिए यहां पे तीन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, दैट मींस ये हमारा एक अल्कोहल है। और ये हमारा अल्कोहल इस वजह से नहीं है क्योंकि इसकी एक वैलेंस, दो वैलेंसीज तो ऑक्सीजन ने सेटिस्फाइड कर दी, दैट मींस ये हमारा अल्कोहल नहीं है। तो ये चीज आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी। पहली चीज हमने आपको डेफिनेशन बता दी कि व्हेन वी रिमूव वन और मोर देन वन हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देन द कंपाउंड्स ऑब्टेंड बाय दिस रिएक्शन आर नोन एज अल्कोहल्स, ठीक है ना। और दूसरा हमने क्या बताया कि जिसके पास OH है वो सब कोई अल्कोहल ही नहीं है, हर एक चीज, हर एक चमकने वाली चीज सोना ही नहीं होती है, सही है ना बच्चों, ऐसे ही तो शायद है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, वैसे ही हर OH दिखने वाली चीज अल्कोहल नहीं होती है। क्या बात है, बहुत अच्छी राइमिंग बन गई है। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, वैसे हर OH रखने वाली चीज अल्कोहल नहीं होती है। अल्कोहल कौन होगा? जिसके पास OH तो हो लेकिन OH जिस कार्बन एटम से लगा हो उस कार्बन एटम की रिमेनिंग जो वैलेंसीज है वो या तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो या कार्बन एटम से सेटिस्फाइड हो। अब बच्चों एक दूसरा भी यहां पर हम आपका मिसकॉन्सेप्शन दूर करना चाहेंगे, और वो ये कि देखिए आप जैसे वाटर का फॉर्मूला लिखे, वाटर क्या होता है, HOH। अब बच्चों इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, HOH ये हमारा H2O है, इसके इस OH का रिमूवल कर दे रहे हैं हाइड्रोजन का, किससे, एल्किल ग्रुप से, तो यहां लग जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा हमारा, ये ROH। एक तो ये इस तरह से आप एल्कोहल बना सकते हैं, और दूसरा भी हमने आपको दिखाया कि हम लोग जो एल्केन होते हैं, एल्केन बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्केन, एल्केन मीन्स क्या हो गए हमारे, जिनमें CH4 जो CnH2n+2 के फॉर्मूले को फॉलो करते हैं उनको हम किस तरह लिख सकते हैं, RH। R क्या यहाँ पर बच्चों, एल्किल ग्रुप है। अब इस H को हम लोग रिमूव करेंगे किससे, OH ग्रुप से, तो ये क्या बन जाएगा, ROH। अब दोनों कंडीशन में बने तो एल्कोहल्स हैं लेकिन दोनों कंडीशन बच्चों डिफिनेशन डिफरेंट हो गई। हम कह सकते हैं कि जो एल्कोहल्स हैं वो क्या है, जल के एल्किल व्युत्पन्न है, जल से आए हैं लेकिन जल के साथ कौन लगा है, एल्किल लगा, देखो हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया, एल्किल। तो हमारे एल्कोहल्स क्या है, जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं, ये डिफिनेशन आप याद रखेंगे, एल्कोहल जल के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। और नीचे आपने क्या देखा, यहां पर आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपका, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है, तो एलिफैटिक हाइड्रोजन कार्बन परमाणु जो है हमारा उसके हाइड्रोजन परमाणु को किससे रिप्लेसमेंट किया गया, हाइड्रोजन का आपके OH ग्रुप से, तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल्स एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होते हैं। ये बच्चों डिफिनेशन थोड़ा ध्यान समझिएगा क्योंकि ये इस चीज को लेकर के आपको अक्सर भ्रम हो जाता है, बच्चे डिफिनेशन को याद नहीं रखते हैं, तो आपको इस डिफिनेशन को याद रखना होगा।
पहले हमने आपको क्या बात बता दी, पहले हमने बता दी कि हम लोग एल्कोहल्स को किसका व्युत्पन्न कह सकते हैं, जल का एल्किल व्युत्पन्न कह सकते हैं। और दूसरी ही डिफिनेशन में हम लोग क्या कह सकते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न होते हैं। यह चीज आपको याद रखनी होगी। तो ये हमारी डिफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई बच्चों। अब हम लोग बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ। तो सबसे बच्चों पहला जो क्लासिफिकेशन है वो आपके सामने मैंने डिस्प्ले पे डाल दिया है। सबसे पहला डिफिनेशन का जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ओएच ग्रुप, कि कितने ओएच ग्रुप आपके लगे हुए हैं। अगर किसी एल्किल ग्रुप में किसी भी एल्किल एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो, किससे, एक ओएच ग्रुप से, तो बच्चों ये एक हाइड्रोजन इधर चला गया और उसकी जगह पे कौन आके जुड़ गया, ये इधर एच गया, ये इधर ओएच आके लगा और ये हमारा क्या बन गया बच्चों, आर ओएच। तो ये हमारे प्राइमरी एल्कोहल हो गए, ठीक है ना बच्चों। अब इस तरह के एल्कोहल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी, या हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। प्राइमरी तो बच्चों हम आगे बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की डिफिनेशन बच्चों क्या, कैसे आप याद रखेंगे, मोनो जो मोनोहाइड्रिक आपका लिखा हुआ है बच्चों, अगर आप मोनोहाइड्रिक याद कर लेंगे तो बाकी सब की आपको याद हो जाएगी, कि ऐसे एल्कोहल जिनमें केवल क्या होता है, एक OH ग्रुप होता है, हमारे क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक। नीचे बच्चों डिफिनेशन में एग्जांपल हमने दे दिया है, जैसे आपका CH3OH हो गया जिसको हम लोग मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, C2H5OH हो गया जिसको हम बच्चों एथिल अल्कोहल बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा मोनोहाइड्रिक। अब आगे बच्चों हम डाइहाइड्रिक, तो जहां पर हमने एक बोला था वहां क्या बोल देना है, दो। तो अगर मान लीजिए किसी भी एल्कोहल में दो ओएच ग्रुप एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो ओएच समूह उपस्थित हैं, तो उसको हम लोग बोलो बच्चों क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। पहला हम लोगों ने क्या बोला था, मोनोहाइड्रिक। अभी क्या बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, डाइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। और बच्चों इसमें अभी हमने एग्जाम्पल लिखा भी था कि जैसे CH2OH और सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या लिख दिया बच्चों, CH2OH। तो ये हमारा बच्चों क्या नाम है इसका, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो बच्चों ये हमारा हो गया डाइहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक इसके ऊपर लिख दे, जैसे C2H5OH जिसको भी हमने आपको दिखाया था, जिसको हमने बच्चों क्या नाम दिया था, ये देखिए एथिल अल्कोहल। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है एथेनॉल, जो इसका जनरल दूसरा नाम है, IUPAC नहीं बच्चों, एथेनॉल IUPAC नाम है इसका। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, ये क्या हो गया बच्चों, डाइहाइड्रिक। और तीसरा क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, इसमें तीन OH ग्रुप हो, तो देखिए बच्चों ये हो गया CH2OH, दूसरा हो गया CHOH और तीसरा बच्चों क्या हो गया, CH2OH। अब इसमें देखिए बच्चों कितने ओएच ग्रुप आ गए हैं, तीन ओएच ग्रुप आ गए, इसको ग्लिसरॉल बोलेंगे। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्लिसरॉल। ये हो गया एथिल अल्कोहल, ये बच्चों क्या हो गया, एथिलीन ग्लाइकॉल, और ये क्या हो गया बच्चों, ग्लिसरॉल। इससे ज्यादा भी ओएच ग्रुप हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो बच्चों पॉलीहाइड्रिक में अगर कुछ बच्चों को याद हो रहा होगा, उन्होंने ग्लूकोज वाली सीरीज पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पढ़े उसको। आपके कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, या वे सभी पदार्थ जो जल अपघटित होने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इस परिभाषा को समझने और याद करने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। तो यहाँ पर बच्चों हम उसका डिफिनीशन को ड्रॉ करेंगे, अगर हम देखें तो आपको याद होगा, तो CHO और यहाँ क्या लिखा गया था, CHOH होल फोर और ये CH2OH। अब आप बच्चों देखें तो यहाँ चार OH ये लगे हैं, यहाँ पे चार OH लगे हैं और यहाँ पर एक OH लगा है, तो टोटल हमारे बच्चों कितने OH हो गए, ये पांच OH ग्रुप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और ये पॉलीहाइड्रिक। तो नंबर आप OH ग्रुप कितने लगे हैं, अगर एक लगा है तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर दो लगे हैं तो बच्चों उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर उसमें तीन ओएच ग्रुप लगे हैं तो क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर चार या उससे ज्यादा लगे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बच्चों किसका एग्जांपल आ रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज का निकल के आ रहा है। और ऊपर के नाम क्या लिखे, हमने आपको पहले ही बता दिए। अगर आप IUPAC नाम लिखना चाहें तो यहाँ वन नंबर डाल सकते हैं, टू नंबर डाल सकते हैं, थ्री नंबर डाल सकते हैं, आप नीचे से भी ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन कार्बन से बच्चों क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है, क्योंकि जो इसमें आपको, हाँ मैं बताना भूल गया था कि इसका जो IUPAC में सेकेंडरी सुफिक्स है आपका, वो आपका ऑल वर्ड जोड़ा जाता है ना। तो बच्चों यहाँ तीन कार्बन की वजह से मैंने क्या लिख दिया, प्रोपेन। और इनकी पोजीशन देखो क्या है, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, तो प्रोपेन 1, 2, 3 है ना। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, ट्राई ऑल, मैंने हिंदी में लिख दिया, आप चाहे तो अंग्रेजी में लिख सकते हैं।
तो ये बच्चों इसका यूपीएससी नाम है प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल। बहुत बेहतर होगा अगर इसका दूसरा छोटा नाम जो अभी तक आ रहा था सामने आपके ग्लिसरॉल, उसको याद कर ले बेहतर होगा। इसी तरह से आप चाहें तो उनके भी ऊपर वाले का भी नाम लिख सकते हैं ना, वो भी आपका यूपीएससी में आ जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, और वो ये देखेंगे कि जो OH ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन एटम से, उस कार्बन एटम का नेचर कैसा है उसके बिहाफ पे। बच्चों देखिए, अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से लगा हुआ है जो कार्बन एटम प्राइमरी है या प्राथमिक है, अगर OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो प्राथमिक अल्कोहल कहा जाएगा। जैसे इसको देखें CH3CH2OH, यहां OH इस कार्बन एटम से जुड़ा है और ये कार्बन कैसा है हमारा बच्चों, 1 डिग्री कार्बन एटम है, तो इस तरह के अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्राथमिक अल्कोहल। इसी तरह से बच्चों अगर ये OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से लग जाए जिस कार्बन एटम का नेचर कैसा हो, सेकेंडरी हो, जरा इसको देखिएगा बच्चों ध्यान से, CH3 और ये बच्चों क्या हो गया CHOH, ये तो बच्चों यहां पे देखो कार्बन एटम 1 डिग्री था और यहां पे इस कार्बन एटम का आप नेचर तो देखो जरा कैसा है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है। इस वजह से इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल कहा जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर कार्बन एटम ऐसे अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से लगा हुआ है जिसका नेचर टर्सरी है, 3 डिग्री कार्बन है, ये OH हो गया 1 2 और ये 3, तो एक एल्किल ग्रुप यहाँ, एक एल्किल ग्रुप यहाँ, एक एल्किल ग्रुप यहाँ, तीनों में एक एक एल्किल ग्रुप मतलब मेथिल ग्रुप लगा दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन एटम का इसका नेचर आप देखें तो ये 3 डिग्री है। तो यहाँ OH ग्रुप अगर 3 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो उसको हम लोग बच्चों टर्सरी एल्कोहल बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका प्राइमरी, ये बच्चों आपका क्या हो गया सेकेंडरी, और बच्चों ये क्या हो गया आपका टर्सरी, टर्सरी। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी मतलब तृतीयक है ना, तो ये तीन तरह के हमारे और वर्गीकरण हो गया। हम फिर से एक बार इसकी, हमने कहा आपकी एक की डिफिनीशन याद कर लीजिए, तीनों की डिफिनीशन एक जैसी होगी, और 1 डिग्री की डिफिनीशन बच्चों आपके सामने आ गई है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए क्या डिफिनीशन आई है, कि ऐसे अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप, जिनमें OH जो फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह रहे हैं, वो अगर प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो द्वितीयक अल्कोहल, और तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो बच्चों क्या कहा जाएगा उसको, तृतीयक अल्कोहल कहा जाएगा। तो हम लोगों ने बच्चों यहां पर आज की वीडियो में क्या चीजें सीखी, सबसे पहली बात तो हम लोगों ने डिफिनीशन देखी, दूसरा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा, और क्लासिफिकेशन बच्चों दो तरह का देखा, क्लासिफिकेशन भी दो तरह का, एक नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से कि कितने OH ग्रुप है, और दूसरा इस हिसाब से देखा कि OH ग्रुप जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, उस कार्बन एटम का नेचर क्या है। तो मैं चाहूंगा बच्चों आज जो भी मैंने आपसे बात करी मैं उसको एक बार रिवाइज करना चाहूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे एल्कोहल्स क्या है, एल्कोहल्स को क्या कहा जाएगा, जल का एल्किल व्युत्पन्न कहा जाएगा या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न कहा जाएगा, ये डिफिनीशन हो गई। दूसरी बात हमने आपको क्या बताई कि हर एक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और इसका मतलब हर एक चीज जिसके पास OH ग्रुप है वो अल्कोहल नहीं होता है। अल्कोहल होने के लिए अल्कोहल जिस कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है उस कार्बन एटम की रिमेनिंग जो वैलेंसीज बची हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम या हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। थर्ड हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी, तो क्लासिफिकेशन हमने आपको क्या बताया, मोनोहाइड्रिक जिस अल्कोहल में केवल एक OH ग्रुप हो, सेकेंडरी जिसमें 2 OH हो, टर्सरी मतलब मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें 3 OH ग्रुप हो। यहां पर मैं आपको बच्चों एक बात बताना भूल गया था, मैं चाहता हूं कि मैं उसको जरूर आपको मेंशन कर दूं कि देखिए अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप आपके लगे हैं, इन केस दैट किसी भी अल्कोहल में ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हो, तो वो एक से ज्यादा OH ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम से लगे होने चाहिए। जैसे अगर हम चाहें इसको ऐसा लिख दें CH3 CHOH OH, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे लगे हैं तो ये अस्थाई होते हैं, ये H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3CHO। ये तो ये चीज बच्चों आपको क्लियर रखनी होगी कि अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप लगे हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम से लगे हुए होने चाहिए। बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे इस वीडियो की कंप्लीट सीरीज अभी आती रहेगी और उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।